हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 8 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, और क्लास के अंदर जुड़ना, करंट अफेयर आपको याद भी होंगे। आज बहुत डिले हो गया, इसलिए आज थोड़ा मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा, जल्दी जल्दी बस क्लास रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, ताकि आज का कॉन्टेंट आपको मिल जाए। ठीक है, कल से अपन वापस रिलेट कर लेंगे। और वीकली करंट अफेयर की क्लास भी यार कल दोस्तों बहुत बुरा लगा, क्योंकि कल मैंने रिकॉर्ड कर ली थी पूरी क्लास और रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो आज शाम को मैं बैंक से आते ही रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो डेली डेली करंट अफेयर रहे हैं, तो चलते हैं क्लास के अंदर। पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस। वीकली करंट अफेयर जरूर देखना। आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए जा रहे हो तो करंट अफेयर की क्लासेस मत छोड़ो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने अभी हैज, चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइन ए डील विद जीआरएससी फॉर एन 800 टन ओशियन गोइंग टग, ए मेजर कॉन्ट्रैक्ट अंडर ए 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दैट वाज एक्सटेंडेड बाय इंडिया फॉर पर्पज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है 500 मिलियन डॉलर की, उसको एक्सटेंड की है फॉर परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है। कौन सी कंट्री को दी है, इसके साथ ही उन्होंने जीआरएससी के साथ भी डील की है 800 टन ओशियन गोइंग टग के लिए, तो वो इंडिया ने की है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अभी इंडिया अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने, थेल्स ग्रुप है, थेल्स ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके ये 70 mm रॉकेट्स बना रहे हैं, ठीक है। थेल्स ग्रुप फ्रांस का है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी, और अभी आईएमएफ ने एआई प्रिपेयरनेस इंडेक्स लॉन्च किया था, एआई प्रिपेयरनेस इंडेक्स लॉन्च किया था, उसमें इंडिया की रैंक थी 72nd, ठीक है। इंडिया इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी में है, ठीक है, उसमें 3 कैटेगरी है, ओके। और नंबर 1 पे सिंगापुर है, नंबर 2 पे डेनमार्क है और नंबर 3 पे यूएसए है। इंडिया का स्कोर 0.49 है, सिंगापुर का 0.80 है, ठीक है। डेनमार्क से रिलेट वापस कर लेते हैं, डेनमार्क पहला कंट्री है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होगा लाइव स्टॉक 2030 से उस पर टैक्स लगाएगा, ठीक है। अच्छी खासी चीजें रिलेट कर लिए अपन ने। नेक्स्ट है, एज लिमिट फॉर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टू 65 ईयर, दिस स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बस आपको ये याद रखना है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कौन से स्टेट की है, तो यह है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है, सुजाता सौनिक, सुजाता सौनिक, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने 1 करोड़ टोकन जनरेट किए हैं, 1 करोड़ टोकन जनरेट किए हैं थ्रू आभा आईडी, ठीक है। और एमपी ने अभी लखपत रोड स्कीम बनाई है, सॉरी लखपत ऐप बनाया ताकि रोड की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनवील्ड क्रिटिक जीपीटी, विच इज ए न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बेस्ड ऑन GPT-4 एंड हेल्प्स टू फाइंड एरर प्रोड्यूस्ड बाय चैट जीपीटी। तो क्रिटिक जीपीटी कौन सी कंपनी का है, जो भी एरर होगी उसको दूर करेगा, तो वो है क्रिटिक जीपीटी है ओपन एआई का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, अपन ने पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, निर्माण पोर्टल, ठीक है। इसके थ्रू ये यूपीएससी एस्पिरेंट को 1 लाख की असिस्टेंस देंगे, ठीक है, उन उनको देंगे जिसका, जिनका भी प्री क्वालिफाई है, ठीक है। दूसरी चीज, जिनकी एनुअली हाउस होल्ड इनकम, एनुअली हाउस होल्ड जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। प्लस ये क्राइटेरिया होना चाहिए, SC ST का होना चाहिए, या फीमेल होनी चाहिए, या थर्ड जेंडर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड स्टेट्स फर्स्ट एवर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस अगेंस्ट इमिनेंट थ्रेट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ एनी केस। जो भी विटनेस होता है उसके ऊपर बहुत सारी धमकियां आ जाती है, तो उसके लिए पहली बार विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कौन से स्टेट ने स्टार्ट की है, तो असम ने स्टार्ट की है, ठीक है। अभी
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट लॉन्च की है। फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, कहाँ लॉन्च किया है, 109 फाउंडेशन डे था, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तब लॉन्च किया है, ठीक है। और अभी मोस्पी मिनिस्ट्री ने भी ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है, क्या की पोर्टल लॉन्च किया है, कब किया है ये, इन्होंने किया 29 जून को, जब नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे मनाते हैं। इसकी थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ डेटा, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रिसेंटली पांचवा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैज नोटिफाइड पब्लिक एग्जामिनेशन Prevention of Unfair Means Act 2020-24. The Act has provision to punish persons who commits an organized crime with a fine of minimum how much amount and imprisonment between 5 years and 10 years. तो कितने साल की सजा होगी, 5 से 10 साल के बीच में सजा होगी, और कितना फाइन भरना होगा अगर कोई भी पर्सन जो ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अमाउंट रखा है इसमें एक करोड़ का, ठीक है, 1 करोड़ का फाइन भरना है और इंप्रिजनमेंट है, जेल होगी 5 से 10 साल की, ठीक है। तो यहाँ टंग ट्विस्ट हो रही है मेरी, इंप्रिजनमेंट, ठीक है, तो 5 से 10 साल की सजा होगी उसको। और ग्रेटिविटी जो लिमिट है वो 20 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया एन इंटर मिनिस्ट्रियल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर अपकमिंग युगे युगी भारत म्यूजियम। दिस म्यूजियम विल बी डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो युगे युगी भारत म्यूजियम बन रहा है इंडिया और फ्रांस के पार्टनरशिप, ठीक है। जापान पहला कंट्री है जिसने 3D होलोग्राम प्रिंटेड नोट लॉन्च किए हैं, 3D होलोग्राम प्रिंटेड जो नोट्स है, बैंक नोट्स, वो रिलीज किए हैं ताकि काउंटरफिटिंग का सामना किया जा सके, काउंटरफिटिंग को कम किया जा सके। अभी ICC मेंस 2020 वर्ल्ड कप हुआ है 2024 में, वेस्ट इंडीज USA ने होस्ट किया था, फाइनल इंडिया ने जीता है, ठीक है। फाइनल के अंदर मैन ऑफ द मैच थे विराट कोहली, मैन ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है। USA पहली बार किसी टूर्नामेंट में आई है, USA ने पाकिस्तान को हराया था। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। यार कोई कोई वर्ड पढ़ने में कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाती है, इस वजह से वो वर्ड क्लियर नहीं पढ़ पाता हूँ मैं, वो होता है बहुत सारे लोगों के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च एन एक्सक्लूसिव 2 आवर विंडो कॉल्ड फॉर फिनटेक टू विजिट फिनटेक डिपार्टमेंट ऑफ RBI इन मुंबई टू सीक क्लैरिटी एंड डिस्कस फिनटेक रिलेटेड क्यूरीज डायरेक्टली विद RBI ऑफिशियल। RBI ने 2 घंटे की विंडो ओपन की है, उस विंडो का नाम है फिनक्वेरी, ठीक है। तो जो भी फिनटेक को फिनटेक रिलेटेड इशू है उसके लिए डायरेक्ट RBI के फिनटेक डिपार्टमेंट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। एज पर द रिसेंट इन्फॉर्मेशन एयर इंडिया इज एस्टेब्लिशिंग साउथ एशिया लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल। दिस ट्रेनिंग स्कूल विल बी एस्टेब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल साउथ एशिया की लार्जेस्ट एयर इंडिया कहाँ एस्टेब्लिश कर रहा है, तो कर रहा है अमरावती के अंदर, ठीक है। अभी रिसेंटली बात करें तो SBI के 27th नंबर के जो SBI के चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, ये बने हैं, ठीक है। और अभी वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 1.5 बिलियन $ दिए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया, ओके। और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट नेक्सस, और ये प्रोजेक्ट है BIS का, कॉन्सेप्टलाइज है। इस प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट मिला है वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है उसके द्वारा मिला है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं. इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन ए 170 मिलियन डॉलर पॉलिसी बेस्ड लोन टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स कैपेसिटी टू फ्यूचर पैंडेमिक्स. तो 170 मिलियन डॉलर का हेल्थ सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए इंडिया को लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने. ठीक है, और अभी इंडिया ने हिंदी को प्रमोशन के लिए यूनाइटेड नेशन पर 1.16 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं और प्रमोशन ऑफ हिंदी, हिंदी के प्रमोशन के लिए. ठीक है, और एडीबी ने कितना दिया, 170 मिलियन यूएस डॉलर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा. ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग टीम स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ 277.35 करोड़ टू बूस्ट ई कॉमर्स एक्सेस फॉर एमएसई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज वाया ओएनडीसी नेटवर्क. दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो, टीम स्कीम लॉन्च की है, 277.35 करोड़ का आउटले है. ठीक है, और ये एमएससी के लिए है जो डायरेक्टली एक्सेस कर पाए ओएनडीसी को. तो ये स्कीम किसने इम्प्लीमेंट की है, तो वो की है एनएसआईजी ने, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब बात करें अपन इस स्कीम के अंदर क्या होगा वो देखते हैं. स्कीम का, इट विल गिव द एमएसएमईज ऑफ इंडिया एक्सेस टू द ई कॉमर्स सो दैट दे कैन सेल दियर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. तो ओएनडीसी के थ्रू डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे. ठीक है, दिस स्कीम स्टार्टेड बाई एमएसएमई एंड टीम स्कीम विल हेल्प दोज एमएसएमई विच आर रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल. सो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर होंगे उन्हीं को हेल्प करेगी. ठीक है, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है, द टारगेट इज दैट 5 लाख एमएसएमई विल बी हेल्प इन 3 ईयर. 3 साल में 5 लाख एमएसएमई को हेल्प करना है. एंड आउट ऑफ दैट 50% विल बी ओन्ड बाई वुमेन एंड मेनली दिस इज मेनली फॉर एमएससी ओनली. ये है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं है टीम स्कीम, ये भी ध्यान रखना है. एंड टीम स्कीम इज पार्ट ऑफ रैम्प प्रोग्राम. जो रैम्प प्रोग्राम है इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर स्टार्ट किया था, उसका आउटले था 6062 करोड़, जिसमें से 3750 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने दिए थे. तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कीम है ये. ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे. 6 कंसेक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ अभ्यास हिट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसका नाम है अभ्यास. ठीक है, तो हिट, तो 6 कंसेक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रायल हुए अभ्यास के. ठीक है, सक्सेसफुली हो गए हैं वो. अभ्यास को डिजाइन किसने किया है? ठीक है, तो 6 सक्सेसफुल ट्रायल हो गए हैं कंसेक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रायल, वो अभ्यास के हो गए हैं. तो इसको डेवलप किसने किया? डेवलप किया एडीए बेंगलोर ने, एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलोर ने किया है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में एक सेकंड, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बैग्ड 13,300 करोड़ ऑर्डर टू सेटअप ए 1600 मेगावाट 2 यूनिट ऑफ 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन कोडरमा इन झारखंड फ्रॉम दामोदर वैली कॉरपोरेशन. तो कौन सी कंपनी को 13,300 करोड़ का ऑर्डर मिला है? ठीक है, ताकि वो थर्मल पावर प्लांट लगाएगी कोडरमा झारखंड के अंदर. तो मिला है वैली को, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को. ठीक है, अब बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है एमएसएमई सहज. ठीक है, और अभी बात करें बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अभी प्रिंसिपल पार्टनर बनाया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, उसका प्रिंसिपल पार्टनर बनाया है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. अभी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020-2024 ग्लोबल ड्रग यूजर हैव बीन इंक्रीज टू इन 2020-2022 20% इंक्रीज ओवर द पास्ट डिकेड. तो 2024 की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग टोटल इंडिया, टोटल वर्ल्ड के अंदर जो भी ड्रग यूजर है वो कितने हैं, वो है 292 मिलियन. ठीक है, और ये रिपोर्ट दी है यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर पूछते हैं बहुत बार एग्जाम में. ठीक है, और अभी वर्ल्ड बैंक की एक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट आई थी, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में रेमिटेंस कितना आ रहा है, इंडिया में रेमिटेंस कितना रिसीव होगा, तो वो हुआ है 2023 के अंदर 1 बिलियन यूएस डॉलर रिसीव हुआ है. ये हुआ है 2023 के अंदर. ठीक है,
और वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है 26 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व। फॉरेस्ट फायर का अर्ली डिटेक्शन हो जाए उसके लिए एआई सिस्टम लॉन्च किया है, एडवांस एआई सिस्टम वो किया है पेंच टाइगर रिजर्व ने, जो महाराष्ट्र में है। पेंच महाराष्ट्र में भी है, एमपी में भी है, दोनों से शेयर्ड है आधा आधा पार्ट, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है पांटेरा, एआई प्लेटफॉर्म है, और इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 में, फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक 2024 वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो आईडीएफ की पहली रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस हुई एशिया पैसिफिक के अंदर, तो वही कोची के अंदर, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड डेयरी एंड इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। और अभी वर्ल्ड डेयरी समिट 2024 का कहाँ होने वाला है, वो पेरिस में होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम एशियन रीजन हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ जीबीपी 5,000 पाउंड कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 इन लंदन। तो 5,000 जीबीपी मिला इन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए जो लंदन में है, तो पहली एशियन रीजन से हैं ये, ठीक है। एशियन रीजन से पहले नहीं है, एशियन रीजन से हैं ये। उनका नाम है संजना ठाकुर, इन्होंने इनकी बुक का नाम है ऐश्वर्या राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 17, इस पर द रिसेंट इंफॉर्मेशन हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू टेक चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो पीजीटीआई के प्रेसिडेंट कौन बन रहे हैं, वो बन रहे हैं कपिल देव साहब, ठीक है। और पीजीटीआई का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन थे, कैप्टन है अभी भी, उसमें भी कैप्टन रहे हैं ये, ठीक है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसकी वीडियो टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में मिल जाएगी, वीकली करंट अफेयर शाम को करेंगे, ठीक है। जो कल की क्लास जरूर देखें, और आईबीपीएस क्लर्क के लिए जा रहे हो तो इन क्लासों को जरूर जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।